कि क्या कुछ बड़ी खबर है। सीतापुर में खूनी संघर्ष हुआ है, तो आपको बताएं कि इलाज के दौरान घायल नाबालिग की मौत हो चुकी है। तो नाबालिग की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हैं। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। आपको बताएं कि मचरेहटा थाने इलाके के लक्ष्मणपुर की घटना है। मचरेहटा थाना इलाके के लक्ष्मणपुर की घटना है, जहां कुछ लोग खूनी संघर्ष कर रहे हैं। तो इलाज के दौरान घायल नाबालिग की मौत हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ज्योति कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या कुछ अपडेट? तो चलिए, संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सीतापुर में खूनी संघर्ष देखा गया है, इलाज के दौरान घायल नाबालिग की मौत हो गई है। तो तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से 13 लोग घायल हैं। दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था और इसमें 13 लोग घायल हुए हैं। खाने की कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं ये लोग, 13 वो लोग जो घायल हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि किस तरह से यहां ये तमाम लोग एक संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन के लिए। इलाज के दौरान घायल जो महिला है, घायल जो नाबालिग है, उसकी मौत हो गई है। दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हैं। आपको बताएं कि पुलिस फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के मामले में जुटी हुई है कि आखिर मामला था क्या। तो जांच करने में पुलिस जुटी हुई है। तो यूपी के सीतापुर से यह घटना सामने आई है, जहां दो पक्षों में किसी कारणवश विवाद हुआ था और दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हैं। तस्वीरें देखिए आप, अस्पताल में ये तमाम लोग हैं जो घायल हैं और अपने जीवन के संघर्ष को झेल रहे हैं। तो मेरे सहयोगी ज्योति कुमार मेरे साथ बन गई हैं। ज्योति, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या कुछ अपडेट? जी साधना जी, जैसा कि आपको बता दें कि सीतापुर मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर मचरेहटा थाने इलाके का मामला आया है, जहां पे एक दरवाजे को रखने को लेकर के दो पक्षों में जमकर लाठियां चली हैं। और यहां पे बताया जा रहा है कि काजल नाम की एक मासूम 13 वर्ष की जो थी, इसको ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। पुलिस का खास तौर पर कहना है कि दोनों तरफ से मुकदमा लिख दिया गया है और कार्रवाई जल्द की जाएगी। ज्योति, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर किस मुद्दे को लेकर या फिर किस विषय को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद खड़ा हुआ था? क्या लग रहा है आपको कि क्या कोई पुरानी रंजिश होगी या फिर कोई भी जमीनी विवाद? जी, ये जमीनी विवाद का ही मैटर मामला सामने आया है कि एक मकान बन रहा था, जहां पे जो है एक दरवाजा रखने को लेकर विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। हालांकि इससे पहले भी तहरीर देके सुलह भी कराई गई थी, उसके बावजूद यहाँ दरवाजा रखने का जैसे ही मामला सामने आता है, यहाँ से दोनों पक्षों में गर्मा-गर्मी हो जाती है और गर्मा इतनी बढ़ जाती है कि दोनों पक्षों की तरफ से लाठियां आ जाती है। लाठियों से लोगों एक दूसरे पे वार किया जाता है, जिसमें लगभग जो है 13 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनकी मासूम 13 साल की जो बच्ची है, उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। चलिए ज्योति, अब देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।